अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आए हुए हैं हम सब मिलकर शॉपिंग पर, और आज की सैरी तो मैं बाहर ही करूँगी भाई, बहुत थक गए किचन को देख देख कर। तो चलते हैं शॉपिंग की तरफ। तो शॉपिंग के लिए जब हम लोग एंटर हुए तो इस कदर क्राउड था, और रेट्स, ओ माय गॉड, रेट्स तो बातें ही आसमानों से कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये लॉन के नॉर्मल सूट जो हम लेते हैं वो जस्ट 25,000 इज टू एक्सपेंसिव। सो बस बच्चों की वैरायटीज बहुत मजे की आई थी, तो हमने बच्चों के लिए कुछ चीज़ें सेलेक्ट करी, रिसीव करी, एंड देन हम यहाँ से निकल गए। सो आपको तो ये सुन के बहुत हैरत होगी, जब हमें दूसरी शॉप में एंटर होना तो इस तरह क्राउड था कि हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया था कि हम यहाँ से निकले। फाइनली हम यहाँ से निकले, हमको जो चाहिए था हमने रिसीव किया, और आखिर में तो हमने ली चूड़ियाँ, जिसके बगैर तो ईद मुमकिन ही नहीं। तो किस किसने ले ली ईद के लिए चूड़ियाँ। सो आज मैं अपनी 24वीं सैरी यहाँ करने वाली थी। बड़ी खुशी थी कि अल्लाह का शुक्र है कि फाइनली हम कहीं तो निकले, और मैंने अपनी 24वीं सैरी करी। इसके बाद मैंने इंजॉय करी अपनी फ्रेंड के साथ मज़ेदार आइसक्रीम, देन हम लोग निकल गए घर के लिए, और बहुत मज़ा आया। आज इतना थक गए थे चल चल के, अब तो मुझे था कि बस जाकर मैं डायरेक्ट सो जाऊँ, नेक्स्ट डे उठूँ। सो बस नेक्स्ट डे आँख खुली तो बज रहे थे कुछ 3:30। सो बस बच्चे इज्जत कर रहे थे कि मम्मा हमको रेडी कर दें, ऐसे ही उनको शौक उठा था रेडी होने का, तो हमने भी उनको रेडी कर दिया। सुफियान ने अपने फेस पे कुछ ज़्यादा ही पाउडर लगा लिया था। खैर सो बस किचन में एंटर। सो यहाँ फ्रूट चाट का सारा सामान रख दिया था, खैर जिसकी टर्न थी वो खुद बना रहा था। सो बस हियर इज द फ्रूट चाट रेडी। तो फ्रूट चाट भी कंप्लीट हो गई थी हमारी, और हमारे घर की जो काम करती हैं लड़कियाँ वो लाई थी ईद के लिए अच्छे अच्छे ड्रेसेस, और उन्होंने दिखाए तो हमने भी बहुत शौक से देखे। उनको बहुत मज़ा आ रहा था, दिखाते थे कि भाभी हम ये लेकर आए, कितनी होती ना मतलब एक्साइटमेंट। सो फाइनली 24 इफ्तारी की तैयारियां भी मुकम्मल हो गई थी, हर चीज़ हमने फ्राई कंप्लीट कर ली थी, और जैसे ही रमज़ान ख़त्म हो रहा था हमारे फ्राई टाइम भी कम होते जा रहे थे। सो बस मैंने ले लिया है अपनी इफ्तारी के लिए खजूर और रूह अफ़ज़ा। सो बस आज मैं इफ्तारी इसी से करने वाली थी, क्योंकि कुछ दिल नहीं कर रहा था खाने का। सो बस मेरी इफ्तारी यहाँ पर एंड होती है, और मेरी व्लॉग भी यहाँ एंड होने वाली है। सो उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे 25 रोज़े सैरी के साथ। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब फैमिली।